नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को ये आश्वस्त थी कांग्रेस इस चीज को लेकर कि किसान, पहलवान, जवान कई मुद्दे हैं जिस पर जनता बीजेपी को धूल चखा देगी, और एग्जिट पोल से ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में ऐसा होगा, लेकिन नहीं, बीजेपी की तरफ गेम आ गया, पूरे तरीके से गेम पलट गया और हरियाणा में कांग्रेस मुंह के बल गिर गई, ऐसा कई नेताओं का कहना है। और हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा, राहुल गांधी ने ये कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, इसको लेकर काफ़ी झटका लगा है कांग्रेस को। बीजेपी अच्छी जीत दर्ज कर पाई है, 48 सीटों पर बीजेपी जीती है, वहीं कांग्रेस महज 37 सीट लाई है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक सेंटेंस लालू यादव बोले हैं। लालू यादव ने कहा, जनता का फैसला है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव, आप चल के सुनो। सर, दो राज्यों का नतीजा आया है, जनता का फैसला। सुना आपने, लालू यादव ने ये कहा है कि ये जनता का फैसला था। हालांकि लालू यादव को झटका भी इसलिए लगा है क्योंकि उनके दामाद चिरंजीवी राव वहां से चुनाव लड़ रहे थे, रेवाड़ी से वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके प्रचार प्रसार को लेकर कई बातें हुई थी, प्रचार प्रसार उनकी हुई थी, तेज प्रताप गया, अखिलेश यादव गए, इसलिए भी उनको झटका लगा है। इसके बाद तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्य जनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर, बिहार में बाढ़ की स्थिति थी और एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि विपक्ष का नेता गायब है, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रभा, तो नीचे कीजिए ना आप। जब बिहार सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि वो चौकस थे, क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल पहले अपने गिरबान में झांक के देखना। सर, आवाज को लेकर के ये हल्के आपने चोरी किया है, बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से। हमारे नीचे नहीं कर सकता, मैं ही ऊपर आ गया यार, हम क्या कर सकते हैं? जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया, हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया, और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दे कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बल बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं भाई, जांच एजेंसियां तुम्हारी हैं, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं, तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है? और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई, क्यों नहीं भवन, कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे रहा है, आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को, ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए, लेकिन जो छुपटिया नेता सब है जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है,
और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई प्रमाण होना चाहिए ना ये कि हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं हमने सबको देखा है, सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए वो क्यों खामोश है, और नहीं अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंती, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए, हम तो आज ही पहुंचे, और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की लूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे। कैसी सरकार है तुम्हारी, कैसी सरकार है, क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो, अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आना चाहिए ना, अभी उनको बताना चाहिए। अरे भाई बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है, और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर, चाहे बीजेपी आगे से ना करे पीछे से करवाए। सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया, क्यों नहीं गरीबी बेरोजगारी पलायन को मिटाया? तेजस्वी को गाली देने से नहीं, आज 8 महीना से ज्यादा हो गया डबल इंजन की सरकार को, कौन सा एक नौकरी दिया तो बता दो, कोई काम नहीं कर रही। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने भी कहा, देखिए अब इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इस पर जो है वो असर जरूर पड़ सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस का मनोबल आगामी विधानसभा चुनाव में डाउन हो जाए, जिस तरीके से हरियाणा में हार हुई है, इसको देखते हुए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल झारखंड में या महाराष्ट्र में गिर सकता है। कांग्रेस अस्वस्थ थी कि जीतना हमें है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको लेकर बीजेपी काफ़ी खुश है। बीजेपी लोकसभा चुनाव क्या जिस तरीके से हार, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था, सिर्फ उस झटके से ही बीजेपी नहीं उबड़ी है, बल्कि एक विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, बने रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।